हेलो बच्चों, आज आपका आरकेएसएस फायर फ्री फूड रेसिपी समर कैंप में स्वागत है। बच्चों, इसमें सभी आप लोग घर पे हो तो कभी कभी मम्मी से कहते हैं हम ये खाएंगे वो खाएंगे, मम्मी भी परेशान हो जाती हैं। आखिर आप लोगों की छुट्टी है, मम्मी की भी तो छुट्टी होनी चाहिए, तो वो क्या करें, तो मना कर देती हैं। अब आप रह जाते हो मुँह बना के कि मुझे मन की चीज़ नहीं मिल पाई। तो आज मैं आप लोगों को फायर फ्री, जिसमें आपको कहीं आग गैस के पास नहीं जाना होगा और घर में जो चीज़ें आपकी हैं उनसे ही आपका ये बन जाएगा और मज़ा भी बहुत आएगा। तो मैं आपको बताऊंगी ब्रेड के दही बड़े। अब ब्रेड तो आपके घर में सबको ही मिल जाएगी, तो देखिए इसमें क्या क्या लगता है। आप देखिए, ब्रेड जिसके मैंने किनारे निकाल दिए हैं पहले से ही, ये ठीक है। उसके बाद ये पुदीने की चटनी, ये इमली की चटनी है, ये है ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक और ज़ीरा भुना हुआ। यदि नहीं है तो आपके पास अगर चाट मसाला हो तो वो भी आप रख सकते हैं, ठीक है। ये है उसमें अंदर फिल करने के लिए किशमिश, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं। ये मैंने पानी रखा हुआ है और इसमें कर्ड है यानी दही, ठीक है। अब बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाथ हैंड वॉश करेंगे। मैं तो हैंड वॉश कर चुकी हूँ, आप भी अपना हैंड वॉश कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हैंड वॉश करने के बाद ही हम कोई भी चाहे खाना खाना हो चाहे बनाना हो, कोई भी चीज़ हम हैंड वॉश करने के बाद ही शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमको सफाई का भी विशेष ध्यान रखना होता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने ब्रेड के किनारे निकाले हैं उसको अच्छे से इस पर डिप करके, सिर्फ एक बार में, बहुत ज़्यादा नहीं, एक बार में डिप करना है और उसके बाद उसका पानी निकाल देना है, ठीक। और फिर उसमें से हम किशमिश रखेंगे और इसका एक बॉल की तरह बनाएंगे। बॉल फटने नहीं पाए, बॉल जैसे बनता है वैसे बॉल बना रहे हैं। और इसके बाद इसको हम थोड़ा शेप दे देंगे। अब आप कोई भी शेप दे सकते हो, आप चाहिए तो गोल शेप भी दे सकते हैं, उसके बाद इसको ऐसे चपटा कर सकते हैं, या फिर हमने एक ओवल शेप दे दिया है, आप अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं, ठीक है। फिर और इसके पहले कि मैंने ये आपको दिखाऊं, ये मैंने बना के रखे हुए भी कुछ हैं, तो ये बना लिया। अब मैं इसको आपको डेकोरेट करती हूँ, ठीक। तो ये मैंने प्लेट ली और ये जब कर्ड है तो सबसे पहले इसमें रखती हूँ वाटर का काम नहीं है तो इसको हटा देते हैं। फिर एक एक हम इसमें दही में डिप करेंगे, ठीक है। दही में पहले नहीं डालेंगे क्योंकि गल जाएगा वो, तो हम बाद में ही जब हमको सर्व करना होगा तभी हम दही, ठीक है। दही में पहले नहीं डालेंगे क्योंकि गल जाएगा वो, तो हम बाद में ही जब हमको सर्व करना होगा तभी हम दही में डिप करेंगे, ठीक। अब हमने इसमें अच्छे से डिप किया स्पून की मदद से और फिर हम अपनी प्लेट में निकालेंगे, ठीक। ये दही भी हम पहले से मथ के रख लेंगे, इसमें हल्की सी चीनी यानी शक्कर और नमक हल्का सा मिला देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है क्योंकि इसमें और भी मसाले पड़ेंगे तो उसमें भी। और बच्चों, ये बिल्कुल ऑयल फ्री, इसमें आप फायर फ्री और ऑयल फ्री दोनों है, ये इसमें ऑयल भी नहीं है और ये स्पाइसी भी नहीं है, ठीक है। अब इसको मैं डेकोरेट करती हूँ, सबसे पहले मैं इमली की चटनी, ठीक, इमली की चटनी। आप घर में इमली वो बना सकते हैं, कोई सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पुदीने की चटनी हरी पसंद हो, ये मैंने पुदीने की चटनी बनाई है, और आप भी बना सकते हो, आप पुदीने की है धनिया की जो पसंद हो, नहीं पसंद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये भी आप बना सकते हो, ठीक है। और इसके बाद मैं इस पर आप चाहें तो इस पर लाल मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो, मैंने नहीं डाला है। धनिया की जो पसंद हो, नहीं पसंद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये भी आप बना सकते हो, ठीक है। और इसके बाद मैं इस पर
आप चाहें तो इस पे लाल मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो, मैंने नहीं डाला है, आप डाल सकते हैं, ठीक है। और फिर ये आपका दही बड़ा, फायर फ्री ब्रेड का दही बड़ा आपका तैयार हो गया। और बच्चों इसमें ना ही तो स्पाइसी है, ना ही इसमें ऑयल है, और खाने में भी बहुत मज़ा आएगा इसको, बहुत ही चटपटा। और खुद खाइए, मामा को खिलाइए, मामा भी खुश, आप भी खुश।